नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका साथी देवी सिंह। अजमेर शरीफ का इस समय 811वां उर्स चल रहा है, तो जायरीन जगह जगह से अजमेर पहुंचते हैं और वहां मत्था टेकने के बाद अजमेर शरीफ के सामने मत्था टेकते हैं और उनकी जो पूजा अर्चना है वो करते हैं। उसके बाद में फिर ये जायरीन आगरा लौटते हैं। आगरा में कोठी मीना बाजार के मैदान में इनके लिए प्रशासन द्वारा पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये टॉयलेट्स हैं, महिलाओं के अलग है, पुरुषों के अलग है। जो सामने देख रहे हैं आप, ये जो दिखाई दे रही है ये टॉयलेट्स हैं, इसके अंदर पर्याप्त संख्या में। और जायरीन कुछ होटलों में खाना, होटल इत्यादि में खा लेते हैं। कुछ जायरीन ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसा ही दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। भैया आप कहाँ के रहने वाले हैं? कटिहार। कटिहार, ये देखिए, ये कटिहार से आए हुए जायरीन हैं और ये अपना भोजन स्वयं तैयार कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, पत्रकार यूट्यूब चैनल से हूँ। मेरा नाम देवी सिंह है, रियल लाइफ से। मैं कटिहार से आया हूँ। कटिहार से आए हैं आप? अजमेर शरीफ के लिए। आपका शुभ नाम क्या है? मोहम्मद रुस्तम अली। मोहम्मद रुस्तम अली, अच्छा, मोहम्मद रुस्तम अली, आप हैं मोहम्मद रुस्तम अली साहब। तो ये भी अजमेर शरीफ से वापस लौट रहे हैं और उसमें शामिल होने के बाद में। तो ये देखिए, यहाँ आगरा में कोठी मीना बाजार का मैदान है जहाँ पर ये लोग रुके हुए हैं। तो देखिए, अपने आप स्वयं अपना भोजन तैयार कर रहे हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये अपने आप जो है हमारे ये सामने छोटा सा, ये देख सकते हैं, ये गैस का सिलेंडर है सामने और ये उधर आप देख सकते हैं, ये प्याज लहसुन सब्जियां काट रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। ये सब टीम भावना से काम कर रहे हैं मिलजुल करके। और मैं इधर दिखाता हूँ आपको, इस साइड में आप देखिए, ये गैस का सिलेंडर है छोटा, ये देख सकते हैं आप। इस गैस के सिलेंडर के ऊपर पतीला में भोजन तैयार हो रहा है। और ये देखिए, ये लोग ये आलू काट रहे हैं बैठे बैठे, ये देख सकते हैं आप। अपने आप स्वयं तैयार कर रहे हैं शुद्ध भोजन। और ये देखिए आप, ये सब्जी काटने की छुरी बेच रहे हैं ये सामने, ये देख सकते हैं आप, साइकिल के ऊपर, ये देखिए। और इस साइड में मैं आपको दिखाता हूँ, ये चूड़ियाँ बेची जा रही हैं ठेल के ऊपर, तरह तरह की। कितने की है? 10 रुपए। 10 रुपए की? ये देखिए कितनी सस्ती चूड़ियाँ हैं, केवल 10 रुपए में। उधर भी चूड़ी बेची जा रही है ठेल के ऊपर। और उस साइड में देखें आप, चप्पलें, जूते, ये यहाँ पे जूता चप्पल बेचे जा रहे हैं इस साइड में, ये देखिए। ये सब बिक्री ठेलों पर हो रही है। और आगरे का मशहूर पेठा ये देख सकते हैं, मशहूर पेठा ठेल पर बिक्रय हो रहा है। और दूर दूर देखें आप, कोठी मीना बाजार के मैदान में, उधर भी देखिए तरह तरह की वस्तुएं बेची जा रही है, ये देख सकते हैं आप। बसों को लेकर आए, मेरी आवाज सुन रहे हो, उनको आगे भी आए बसों को। यहाँ पर ठेल पर बस पहनने के कपड़े बेचे जा रहे हैं, ये देखिए। नंबर 3 में ये सामने मौजूद है, ये
ये पेठी की बिक्री हो रही है सामने, और ये चटाइयाँ बिछाने के लिए, बिछाने के लिए चटाइयाँ, और ये देखिए ये खजूर की ठेला आ गई, इस पर खजूर की बिक्री हो रही है। ताजमहल जाना चाहते हैं, यहाँ सरकारी बसें लगी हुई है, किराया मात्र 30 रुपए है, और यहाँ पे एक विशेष काउंटर लगा हुआ है। ताजमहल का टिकट 55 रुपए का है, टिकट लेकर जाए। साथियों, आपको यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या क्या सामान है कुछ बताएंगे? पहले आप अपना शुभ नाम बताइए प्लीज। मेरा नाम मोहम्मद कायम हुसैन हो गया। मोहम्मद कायम हुसैन। अच्छा अच्छा, रहने वाले आस्थाना। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं रहने वाला झारखंड के हूँ। झारखंड से? अच्छा जी। चाय दरगाह? जी 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 जी। अच्छा अच्छा अच्छा। थाना चौपारण के रहने वाले हैं जी। और हमारे यहाँ आस्थाना जी काजी रहमतुल्लाह अलैह का रोजे को रहने वाले हैं जी जी। और हमने बरेली शरीफ का और अजमेर शरीफ का जी, मैं तस्बीह तोगरा ताबीज औंगठी पत्थर दुआ ताबीज सबका काम करते हैं। अच्छा अच्छा। और नाम राशि से पत्थर वगैरह भी देते हैं। अगर किसी बच्चा को डायन नजर लगा दिया या बच्चा रो रहा है। डायन? डायन कौन होती है? डायन बताएं पहले थोड़ा सा। डायन वो होती है कि किसी औरत का नजर जी कड़ा नजर होता है। अच्छा। किसी बच्चे के पास में गड़ गया जी तो वो बच्चा रो रहा झला रहा दवा कर रहा डॉक्टर उसको इलाज नहीं काम कर रहा। अच्छा। दवा काम नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा। तो उस चीज का हमने सामान रखते हैं जी, और वो भूत को क्या करतूत को डायन को सामने लाते हैं, उसको नचाते हैं। अच्छा, आप नचाते हैं अपने सामने बुला करके? हाँ, और वो बच्चा को ठीक करते हैं। अच्छा, तो ये ताबीज देते हैं आप? क्या क्या किस तरह का इलाज है आपका? ताबीज वगैरह देते हैं जी दरबार का। अच्छा। अस्ताना अजमेर शरीफ को छौजा का जी 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 ताबीजात वगैरह देते हैं। अच्छा, उससे मरीज सही हो जाता है जी? दवा सूट करने लगता है? नहीं, चिकित्सक लोग तो ये कहते हैं कि कोई भूत या डायन या कोई नहीं होता है। इस मामले में आपका क्या कहना है आप बताएं थोड़ा? नजर नजर जो होता है ना। हाँ। नजर बहुत खराब चीज होता है जी, तो वही नजर वगैरह जो बच्चा को लग गया झला रही है झला रहा बच्चा। अच्छा। दवा सूट नहीं करता है तो वही ताबीज वगैरह देने के बाद तो दवा वगैरह सूट करेगा। अच्छा। और बच्चा ठीक ठाक रहेगा। अच्छा, ये अल्लाह का कलाम है। तो ताबीज दिखाएंगे कौन सा कैसा ताबीज होता है? ये कटोरा है। ये तो कटोरा है। हाँ, इसमें लिखा हुआ है तल कुर्सी। एक मिनट जरा मैं देखूँ इसको जी। हाँ, ये कटोरा दिखाई दे रहा है आपका? ये अतल कुर्सी है। अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हय्युल क़य्यूम लिखा हुआ है अंदर जी। अच्छा, ये कटोरा में बहुत चीजें खासियत है और अल्लाह का कलाम लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा जी। तो कटोरा है, ताबीज की बात कर रहा हूँ। ताबीज जो आप बता रहे हैं ये क्या है? घर बत्तीस वगैरह जो होता है। हाँ, सर में दर्द है, बदन में दर्द है, घुटने में डलाता है, बुखार है। अच्छा, किसी तरह का कोई नंबर 3 में बरकत होता है, दवा खाना मौजूद है। और ये अंगूठी जो है, अंगूठी पाई पैसा नहीं लिया जाता है, पत्थर इनसे क्या लाभ मिलता है? दवा खाना मौजूद है जी, दवा का कोई पाई पैसा नहीं लिया जाता। नाम राशि मेरी बात सुन रहे हो? नाम राशि से आप देते होंगे? नाम लगे हुए जी, जी। अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। और ये क्या रखा हुआ है आपके सामने? पैसे को निकालते वक्त इस बेलन का क्या यूज है? मोबाइल को निकालते रखते वक्त इसका क्या यूज है? दांत में उठाई की हो तो दांत से चलेगा पत्थर, वो चलता है इसमें। जाहिर नजरात मेरी आवाज सुन रहे हो? पत्थर चलता है इसमें? नंबर 3 में चला के दिखा सकते हैं? मौजूद है, दांत मौजूद है, दवा का कोई पाई पैसा नहीं लिया जाता। अच्छा अच्छा। जो जाहिर नजरात ताजमहल जाना चाहते हैं, और ये क्या सरकारी बसें लगी हुई है, किराया 30 रुपए है, और हमारे कैंप में काउंटर लगा हुआ है विशेष 55 रुपए का। आप देख सकते हैं इस तरह की
अस्थाई स्टॉल लगी हुई है जहाँ पर जो है ताबीज बनाते हैं और अंगूठी और इस तरह की जो है अगर किसी के ऊपर कोई भूत ज्यादा या चुड़ैल इस तरह की कोई ज्यादा होती है तो ये जो सामने बैठे हुए हैं ये उसका इलाज भी करते हैं। अपनी सवारियों का सामान की हिफाजत करें। इनका दावा है मैदान छोड़े कि अगर इस तरह का कोई मरीज आता है तो उसको ये ठीक कर देते हैं, जो ऊपर की ज्यादा होती है उसका इलाज कर देते हैं, जैसा कि इनका कहना है। कैंप नंबर 3 में दवा खाना मौजूद है। तो साथियों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।